दिल मिल ही जाएगा हाथ मिलाते रहिए दिल। लंबी लंबी ताने कैसे ली जाएं? अभी जैसे आपने देखा एक छोटा सा ग्लिम्स कि मैंने एक तान थोड़ी सी लंबी जो थी ऐसी मैंने लेकर दिखाई। तो ये अक्सर सवाल रहता है कि लंबी ताने कैसे ली जाएं। छोटी छोटी हरकतें तो अलग बात है लेना, छोटी छोटी मुर्कियां लेना एक अलग बात है, लेकिन गायकी करते समय, क्लासिकल शास्त्रीय गायकी करते समय जो लंबी लंबी ताने आती हैं उन्हें कैसे लिया जाए, ये एक सवाल रहता है। तो आइए पूरा वीडियो देखिए और मैं कोशिश करता हूँ बताने की जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे मालूम है इस बारे में कि लंबी ताने लेने का क्या तरीका है। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। अगर आपको सीखना है क्लासिकल म्यूजिक या फिर कर्नाटक म्यूजिक या फिर वेस्टर्न म्यूजिक या फिर फिल्मी गाने, तो अभी डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तानपुरा आपको इसमें मिलता है, आपका स्वर मीटर आपको मिल जाता है, आपकी रेंज कितनी है वो मालूम चल जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन से अच्छे अच्छे टीचर्स आपको इसमें सिखा रहे हैं, तो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गले में हरकतें, मुर्कियां, खटके, ये सब डेवलप करने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी, और बहुत सारी चीज़ें भी मैं सिखा चुका हूँ जो कुछ मैंने सीखी हैं। कुछ अलंकार होते हैं जिनका रियाज करने से गले में वो जगह पैदा होती है। अगर आपको चाहिए कि गले में वो आंदोलन हो, सबसे पहले तो हम मुर्कियों, हरकतें और खटके जो है, ताने जो है, इन सब की परिभाषाओं को थोड़ा थोड़ा समझ लें। गले में ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं वाइब्रेशन से, जिसे कहते हैं कंपन। कंपन से बनता है आंदोलन, आंदोलन से छोटी छोटी मुर्कियाँ, छोटी छोटी मुर्कियों से बड़ी बड़ी हरकतें, और बड़ी बड़ी हरकतों को और लंबा करें, अगर रेगुलर कर दें, तो वो बन जाती हैं ताने। अब ये कैसे हो रहा है देखिए। सबसे पहले तो आवाज़ का कंपन देखिए कैसे कहते हैं। ये सा लगा रहा हूँ मैं, सा। तो आप देख रहे हैं इसमें एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिर नहीं है सुर, है ना। और अब यही अगर स्थिर हो और फिर वो आंदोलन, यानी वो कंपन जो स्थिर है और उसी सुर पे बार बार है, उसे हम आंदोलन कहते हैं। आप ये देख रहे हैं एक ही सुर पर वो जो कंपन है वो बार बार आ रहा है और वो लगातार आ रहा है और वो स्थिर है, तो उसे हम आंदोलन कह देते हैं। अब ये अगर थोड़े तीन चार स्वरों में आ जाए तो इसे हम एक मुर्गी का रूप दे देंगे, यानी छोटी सी तीन चार स्वरों की संगति है। अब कैसे जाएगा, तो आपने देखा ये प ध प, इसमें थोड़ा सा कण का प्रयोग करते हुए, स्पर्श का प्रयोग करते हुए मैंने जो सुर लगाए, तो ये एक तरह से एक छोटी सी मुर्की बनी। तो गले का हल्का सा हिलाव है वो छोटी सी मुर्की बनी। अब यही अगर थोड़े ज़्यादा सुरों में हो जाए तो ये एक हरकत का रूप ले लेगी, जैसे यानी मुर्कियों का ही एक छोटा सा समावेश है, छोटा सा संगम है, जिसे कि हम हरकत कह देते हैं, थोड़ी बड़ी होती है वो मुर्की से। अब यही अगर रेगुलर हो जाए, यही कंपन, यही आंदोलन सारे स्वरों में एक पैटर्न बन के चलने लग जाए और ये लंबा हो जाए, तो उसे हम तान का रूप दे देते हैं, उसमें एक गति होती है, जैसे कि अब ये जो आंदोलन था, यानी एक एक सुर पे खट 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 कर आपने देखा वो जो दानेदार गया, इसे हम तान का रूप दे देते हैं। अब खटका क्या होता है? खटका जब एक ही सुर पे आंदोलन जो है, आंदोलन से ही सारी चीज़ें बन रही है, जो सारी चीज़ें मैंने बताया ना, ये सारी की चीज़ें शुरू कहाँ से होती है, कंपन से आंदोलन, आंदोलन से मुर्कियाँ, मुर्कियों से हरकत, हरकतों से ही हमारा बन रहा है, ताने बन रही हैं, ठीक है। अब जो खटका लग रहा है उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए। आप देख रहे हैं एक स्ट्रोक लग रहा है, इसे हम खटका कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो स्विच बोर्ड होता है ना, उसे अक्सर देसी भाषा में हम कहते हैं वो खटका, है ना, कि यार वो खटका चालू कर देना या खटका बंद कर देना। तो वो क्यों है? क्योंकि जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो एक कड़क, एक क्लिक की आवाज़ आती है ना, तो वही जो साउंड है, वही जो फिनोमेना है, वही सुर में भी अप्लाई होता है, उसे हम खटका कहते हैं। कैसे क्या?
है ना, आपने देखा एक स्ट्रोक से मैंने उस सुर को लगाया, वरना है ना वो खटका नहीं था यहाँ पे, है ना। तो ये इसे खटका कहते हैं। तो ये सारी तो परिभाषाएं हो गई, सारे हमारे म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स हैं। अब जो लंबी लंबी ताने आ रही हैं कैसे आ रही हैं, सीधी बात, इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपके गले में वो जगह पैदा होनी चाहिए और उसके लिए आपको अलंकार करने आने चाहिए। और वो मैंने बताया है कि जब आप अलंकार गाते हैं तो किस तरह से आपको आकार में वो चीज़ करनी होती है। सारे गमा पा धानी सा सानी दा पा मा गा रे सा आ। एक ये तरीका था आलाप लेने का जो सीधा सीधा गया, एकदम सपाट सपाट, और एक गया एक एक स्ट्रोक देते हुए मैं जा रहा हूं, एक एक खटका देते हुए, जैसा कि मैंने अभी समझाया था। जब वो खटकों को आप देते हुए एक 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 जाओगे तो आपकी तान में एक बल आएगा, और जब आपको बल मिलता है, एक पुश मिलता है, तो आप उस तान को लंबा कर सकते हो। कैसे? क्योंकि तान को लंबा लेना यानी सांस का काम है। ये सारा सांस की साधना है कि अगर आपकी सांस पहले खत्म हो गई तो वो तान भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इस खटके का प्रयोग, इस बल का प्रयोग करते हो, तो आप उस तान को एक्सटेंड करते हो, एक पुश आप दे देते हो। अब वो कैसे हो रहा है वो भी देखिए। सबसे पहले तो ये खटका कैसे लाना है वो मैं बता दूं। आ ये गले से ही रहा है, ठीक है, जब लेकिन सुर पूरा आपका अंदर से लग रहा है, लेकिन वो खटका गले से लग रहा है। अब उसे लगाने के लिए एक एक्सरसाइज मेरे फादर कराया करते थे हम सारे बच्चों को, जब हम ग्रुप में बैठा करते थे, कि वो कहते थे ये जो आपका हाथ है इसको आप ऐसे स्ट्रोक करो जब जब आपको वो लय में जाना है। इससे क्या है, अंदर वो एक स्ट्रोक महसूस हो रहा है। अब ये क्या है, ये लय है, है ना। इस लय को जब आप महसूस करोगे तो अंदर से एक हल्का सा, आपको ये देखिए, जैसे ही आप ऐसे करते हो तो आपका शरीर जो है, अपर बॉडी है, हल्की सी हिलती है, आपकी छाती जो है हल्की सी शेक होनी चाहिए, तब जाके वो जो स्ट्रोक है वो आता है। लेकिन ये स्ट्रोक को लाने के लिए एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना है आपको, कि सुर नहीं बिखरना चाहिए। वो जो स्ट्रोक है वो उसी सुर पर है, जैसे कि मैंने बोला कंपन और आंदोलन में यही फर्क है कि आंदोलन उसी सुर पर होता है। अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ, मैं इसके बगैर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब आदत पड़ चुकी है उसकी, लेकिन जब इसको शुरू करेंगे आप तो ऐसे है ना। अब यही चीज़ धीरे धीरे जब स्पीड में आती है तो हर अलंकार इसी तरह बोलना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अलंकारों को करने का क्या तरीका है, उनको एक छंद में बोलना, अलंकार का जो स्ट्रक्चर है उसको मद्देनजर रखते हुए बोलना। अगर तीन तीन का है तो सारे ग रे ग म ग म ब म प ध यूं जाना चाहिए, और चौथा है तो सारे ग म रे ग म प, और अगर कोई भी और भी डिफरेंट पैटर्न है, सारे सा घ रे ग सा रे सा म ग रे सा रे सा प म ग रे सा सा रे सा ध म ग रे सा सा रे सा नि ध म ग रे सा, तो ये जो बल आप लेते हैं इससे आपको फोर्स एक मिल जाता है जिससे कि आप तान आगे बढ़ा सकते हैं। अब छोटी सी मैं आपको, अब तान में क्या होता है, कई बार टुकड़े टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, जैसे ग म ध म ध ब ये एक फ्रेज है, म ब ध नि ध नि ध ब ये दूसरा फ्रेज है, सा नि ध ब म ध ब म ग रे सा ये तीसरा फ्रेज है। अब इन तीनों को जोड़ के बनाया गया, कैसे, ग म ध म ध ब म ब ध नि ध नि ध ब सा नि ध ब म ध ब म ग म ब म ग रे सा, है ना। ये जो भी मैंने तीन फ्रेजेस जोड़े, अब इसमें तीन जगह मैंने बल दिया, ग म ब ध म ध ब म ब ध नि सा नि ध ब सा नि ध ब म ध ब म ग म ब म ग रे सा, चार जगह बल हो गया आपने देखा। तो जब मैंने वो बल दिया तो मुझे एक फिर से सांस मिल गई, एक एनर्जी मिल गई कि मैं उस तान को एक्सटेंड कर सकूं। तो इससे आपकी तान जो है वो लंबी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब आपकी सांस लंबी होगी तो तान लंबी होगी, लेकिन सिर्फ सांस का खेल नहीं है, दम का भी खेल है, क्योंकि तान में थोड़ा दम लगता है, है ना, क्योंकि आप बहुत रेगुलर जा रहे हो, बहुत एनर्जी लग रही है, अंदर से ज़्यादा एनर्जी लग रही है, बनिस्बत के आप कम लय में अगर उस चीज़ को गाते हो तो उतनी एनर्जी नहीं जा रही है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लंबा लंबा ले सकते हो, है ना। अब जैसे ग म ब ध म ध प म ब ध नि सा नि ध प सा नि ध प म ध ब म ग म ब म ग रे सा, इसको आप ऐसे ले सकते हो, और इसमें जब स्लो गति होती है ना तो क्या है, सांस लेने की भी जगह होती है, इसीलिए भी मुमकिन है करना, लेकिन जैसे ही गति बढ़ जाती है तो सांस लेने की जगह कम हो जाती है, तो उसमें सांस लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस जगह सांस की बजाय आप अगर बल दे दें तो वो सांस का ही काम करती है। है ना,
तो इससे आपको एक सांस मिल जाती है, तो आप उस तान को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जब अलंकार गा रहे हैं तो मैंने कई बार बताया अलंकार करने को, जैसे सारे गा, ये तो आप करते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक सुर ऊपर और नीचे बढ़ाते हैं, तो सारे सारे गे धनी सारे गे सारे घरे सारे दरे सानी साने धनी साने गे सा, ऐसा करके एक नीचे एक ऊपर बढ़ाते हैं, तो इसमें भी एक सांस का खेल रहता है, क्योंकि आप इसको रेगुलर करेंगे ना, जैसे सानी धनी सानी सारे गी सानी धरे सानी धनी सानी गे साने धरे सा, ये रेगुलर नीचे ऊपर रेगुलर नीचे, इससे क्या होता है लंबा लंबे की वो रियाज हो ही रहा है ऑटोमेटिकली, तो वो बन जाती है चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप ख्याल रखें तो ये चीज़ मुमकिन होती है। अब कौन कौन से अलंकार आपको रियाज करना है जिसकी वजह से गले में वो खटके वो जगह पैदा होगी, वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो में वो टाइम आपका नहीं ज़ाया करूँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडवांस्ड अलंकार्स फॉर सिंगर्स, ये मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने कुछ कुछ मुश्किल पलटे भी हैं, कुछ कुछ बल की चीज़ें भी वो सब उसमें बता रखी हैं, ठीक है, तो उन्हें देखिए और वहाँ से रियाज कीजिए, ठीक है। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ ऐसा जो अलग है थोड़ा सा, जिस पर सोचना पड़ता है, जिसको आम नज़रिया जो है जिसका उससे अलग सोचना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि जो सब करते आ रहे हैं वही हम फॉलो करते हैं, हम कुछ और नया ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए और शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।